आलिया भट्ट का कौन सा सपना हो गया है पूरा? सलमान खान दिल दे दिया इंशाअल्लाह में आलिया भट्ट को ही क्यों लेना चाहते थे? सलमान खान और आलिया भट्ट के एक साथ फिल्म करने से रणवीर कपूर क्यों गुस्सा हो गए हैं? दोस्तों आपका स्वागत है बॉलीग्राफ के इस नए वीडियो में। बॉलीवुड में संजय लीला बंसाली की आने वाली फिल्म दिल दे दिया इंशाअल्लाह की काफी चर्चाएं हैं। इस फिल्म में पहले शाहरुख खान का नाम सामने आ रहा था, लेकिन बाद में सलमान खान का नाम फाइनल हो गया। संजय लीला बंसाली ने खुद फिल्म में सलमान खान के लीड एक्टर के तौर पर एंट्री करने की अनाउंसमेंट की थी। पहले ऐसा माना जा रहा था कि फिल्म का नाम बायजू बावरा है और ये 1952 में आई बायजू बावरा फिल्म का रीमेक है, लेकिन बाद में फिल्म का नाम दिल दे दिया इंशाअल्लाह रख लिया गया। फिल्म में सलमान का नाम फाइनल होते ही फिल्म में फीमेल एक्ट्रेस कौन होगी इसकी चर्चाएं बढ़ गई। ऐसा माना जा रहा था कि फिल्म में दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट दोनों में से किसी एक को कास्ट किया जा सकता है, लेकिन फिल्म में सलमान खान और संजय लीला बंसाली ने आलिया भट्ट को फाइनल कर लिया है, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है। अब दिल दे दिया इंशाअल्लाह में हमें सलमान खान और आलिया भट्ट दोनों रोमांस करते नजर आएंगे। दिल दे दिया इंशाअल्लाह में हमें एक ऐसी जोड़ी नजर आएगी जिनके बीच काफी लंबा एज गैप है। सलमान खान 53 साल के हैं, वहीं आलिया भट्ट की उम्र सिर्फ 26 साल है। आलिया भट्ट बचपन से ही सलमान खान की फैन रही हैं और वो उनके साथ फिल्म करना चाहती थी। फिल्म में उनका नाम फाइनल होने के बाद उन्होंने कहा कि उनका सुपरस्टार सलमान खान के साथ काम करने का सपना अब पूरा होने वाला है। ऐसी क्या वजह है कि सलमान खान ने आलिया को ही फिल्म में कास्ट किया है? इसके पीछे एक बड़ा कारण है। सलमान खान ने रणवीर कपूर की वजह से आलिया भट्ट को अपनी फिल्म के लिए फाइनल किया है। सलमान खान और रणवीर कपूर के रिलेशन कितने अच्छे हैं ये सभी जानते हैं। जब कैटरीना सलमान खान की गर्लफ्रेंड थी तब रणवीर कपूर ने सलमान खान से उन्हें छीन लिया था, जिसे सलमान खान अभी तक भूले नहीं हैं। रणवीर कपूर की वजह से ही उनका कैटरीना कैफ के साथ ब्रेकअप हुआ था। हालांकि टाइगर जिंदा है और अपनी आने वाली फिल्म भारत में सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ पेयरअप हुए थे और अब उनकी नज़दीकियाँ भी बढ़ रही हैं। अब जब आलिया और रणवीर दोनों रिलेशन में हैं और जब आलिया भट्ट सलमान खान के साथ रोमांस करती नजर आएंगी तो रणवीर कपूर की क्या हालत होगी ये तो सभी जानते हैं। दिल दे दिया इंशाअल्लाह में सलमान खान ने पहले कैटरीना को भी फिल्म में अपने अपोजिट कास्ट करने के लिए एक बार सोचा था, लेकिन अब आलिया भट्ट के साथ ही उनकी जोड़ी फैंस को एंटरटेन करती नजर आएगी। क्या आप फिल्म दिल दे दिया इंशाअल्लाह में सलमान खान और आलिया भट्ट को एक साथ देखना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड की और जानकारी के लिए देखते रहिए बॉलीग्राफ स्टूडियोज़।